बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में और आपकी सेहत में। दोस्तों आज मैं आपके लिए अफ़गानी चिकन कढ़ाई बनाने जा रहा हूं। पिछले दिनों मैंने ईरानी चिकन कढ़ाई बनाई थी, लोगों को बहुत पसंद आई। तो ये चीज़ें इसलिए होती हैं कि जी आपके पास कोई ऑप्शंस हों, कि ये नहीं आप रेगुलर कढ़ाई बनाते जाएं और आपके घर वाले खाते जाएं। आप थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ आगे रखेंगे तो यकीन करिए वो भी तारीफ़ें करेंगे और वो पूछेंगे कि ये क्या रेसिपी है और आपने कहाँ से सीखी। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। नहायत सिंपल चीज़ें इसके अंदर, बस कुछ एहतियातें हैं और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना। यहाँ पे 1 kg मैंने चिकन लिया। जस्ट सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे 1/2 cup कुकिंग ऑयल का और इसको गर्म नहीं होने देंगे। और इसमें डाल देंगे हम 1 kg चिकन जो अच्छे से मैंने धो के रखा हुआ है। गरम इसलिए ऑयल ना हो क्योंकि अगर गरम ऑयल में हम डालेंगे चिकन तो वो नीचे जुड़ना शुरू हो जाता है और संभालना मुश्किल हो जाता है। खड़े मसालों में 2 काली इलायची डालेंगे जिसको मैंने अच्छे से देखें खोल लिया है। इसको आप काट के डाल सकते हैं। 1 दालचीनी का पीस है और 2 से 3 अदद लौंग है। इतने इसमें खड़े मसाले काफ़ी हैं, इसी से खुशबू अच्छी आ जाएगी। अब हम इसको यहाँ पे करेंगे फ्राई इस ऑयल में जब तक इसका अच्छे से वाइट कलर ना आ जाए। और आपने कम से कम 7 से 8 मिनट इसी ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है। कोई मसाला यहाँ पे ऐड नहीं होगा फिलहाल। यहाँ पे गोश्त का वाइट कलर आ चुका है, देखें आप। और इस वक्त ऑयल के अंदर बहुत अच्छा जो चिकन का फ्लेवर है वो आ चुका है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। अच्छे से आप साफ़ करें प्याली में, कोई भी पीस रहना नहीं चाहिए। रिस्क को बहुत इज्जत दिया करें, बहुत कदर किया करें। इससे यकीन करिए इंशाल्लाह आपके खानों में, जायकों में बहुत बरकत आएगी। तो अच्छे से इस पेस्ट के अंदर भी इस चिकन को हम पकाएंगे 4 से 5 मिनट। अदरक लहसुन का पेस्ट इतना टाइम लेता है पकने में। तो अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, लंबे साइज़ की आपने काटनी है क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा मसाले तो है नहीं, इसलिए इसको ज़रा प्रोमिनेंट करने के लिए बड़े साइज़ में काटा जाता है। और ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 टमाटरों का मैंने पेस्ट लिया है। तो अगर 1/2 kg कढ़ाई होगी तो आपने 2 टमाटर लेने हैं नॉर्मल साइज़ के। यहाँ पर इसी के पानी के अंदर हमने इसको पकाना है। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं होता, पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। और एक और ख़ास बात कि ये नॉर्मल आँच के ऊपर आपने पकाना है, ये रेसिपी तेज़ आंच के ऊपर आपने नहीं पकानी। 1/2 चम्मच इसमें जाएगा नमक का, मैं कम नमक यूज़ करता हूँ। आपको अगर ज़्यादा पसंद हो तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। और ये है खुश्क धनिया पाउडर 1/2 चम्मच। और ये है हमारे पास ज़ीरा 2 चुटकी। जस्ट ज़ीरे का फ्लेवर बहुत तेज़ होता है जब इसको पाउडर बना लिया जाता है। ये वाइट पेपर है, सफ़ेद मिर्च पीसी हुई, तो 1/2 चम्मच जाएगी ये। अगर आपके पास अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप काली मिर्च भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई इतनी बात नहीं है। अब इन मसालों को करेंगे अच्छे से मिक्स। और देखें टमाटर जो है वो पानी छोड़ रहा है और इसी के अंदर जब ये गोश्त पकेगा तो इसका फ्लेवर ही माशाल्लाह क्या ही बात होगी। तो अब ऊपर इसको हम ढक्कन रख देंगे और इसको लाइट आंच के ऊपर, मतलब मीडियम आंच के ऊपर आपने पकाना है, तेज़ आंच के ऊपर नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8 मिनट के अंदर इसका जो पानी है देखें ड्राई हो चुका है और चिकन जो है वो यहाँ बहुत अच्छे से गल रहा है, कंप्लीट नहीं गला। अब इसके अंदर हम कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे, लेकिन आप देखें बिल्कुल लाइट मसाले हैं इसके अंदर। लाल मिर्च और हल्दी आपने इसके पास भी नहीं जाने देनी, वरना सारी रेसिपी का जो कलर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ भी अदरक इसमें कटी हुई लंबी लंबी ऐड करेंगे जिस तरह से हरी मिर्चें थी। इनको करेंगे अच्छे से मिक्स, इसकी करेंगे भुनाई चिकन की। तो अब यहाँ पे इसमें 1 प्याली जाएगी दही की। इसमें आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं दही को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसकी खटास होती है जो खाने में अच्छा फ्लेवर लेके आती है। तो जब भी आपने दही ऐड करनी है आंच को थोड़ा सा पहले कम कर लेते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी कोई रेसिपी चाहिए हो तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे
रेसिपी लिखें जैसे बिरयानी और स्पेस मेरा नाम लिखें इजाज़ अंसारी, आपको मेरी रेसिपी मिल जाएगी। किसी भी रेसिपी से रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं रिप्लाई करूँगा। इन केस मैं रिप्लाई ना कर सकूँ तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे 3 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें खूबसूरती और खुशबू दोनों के लिए ऐड करेंगे और इसमें 1/2 लेमन भी निचोड़ देंगे। तो ये है हमारे पास हरा धनिया, हरा धनिया जाएगा और अब हम इनको करेंगे मिक्स। आप लुक देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत आ रही है। और फिर मैं कहूँगा लाल मिर्च और कूटी हुई लाल मिर्च और हल्दी इसके पास से भी नहीं गुजरेगी। इसको बाउल में निकालेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टेस्ट तो माशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊँगा। आप लुक्स देखें मेरे अल्लाह की शान कितनी खूबसूरत आई है। तो फाइनल लुक की तरफ जाते हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की रहमत और मेरे अल्लाह की बरकतें जिसने नवाजा हमें अपनी नेमतों से और हमें दिए इतने मज़े के खाने। दोस्तों इसी बात पे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। कोई सवाल हो इजाज़त अंसारी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगा आपके हर कमेंट का। तो अगली वीडियो तक इजाज़ को इजाज़त दे दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।